अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सस वेड यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम जो है एक सेटअप पे मौजूद है, छोटा सा सेटअप है लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप है, काफ़ी अच्छी बीट आ रही है और ये सेटअप जो जावा का है। तो सैयद गुल मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? हाँ, माशाल्लाह से जावा काफ़ी टाइम से ब्रीड करवा रहे हैं और जावा काफ़ी अच्छी इनके पास ब्रीड कर रही है और इनका कहना है कि मैं कोई कैल्शियम कोई फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं करवा रहा, नॉर्मल जो नेचुरल डाइट है वो यूज़ करवा रहा हूँ और उसको यूज़ करवाने के बाद माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड आ रही है। तो सबसे पहले बताएं आपको कितना टाइम हो गया जावा रखे हुए? देखिए, वैसे तो मैं तकरीबन जब 9-10 में था, 25-30 साल पहले, उस वक्त से मैं मुख्तलिफ बर्ड्स रख रहा हूँ, लेकिन अभी जो यहाँ से मैंने ये फोन जावा के सेटअप लगाया इसको तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से माशाल्लाह आप ब्रीड करवा रहे हैं। तो अभी कितने पेयर और ब्रीड कैसे आ गए आपके पास? मेरे पास अभी फोन जावा के जो है 24 पेयर है यहाँ पे और इसकी ब्रीड तो बहुत अच्छी है। बहुत से लोग कहते हैं अरे फोन जावा की ब्रीड अच्छी नहीं होती, तो मुझे हैरत था कि मेरे पास तो माशाल्लाह जितने भी आप देख रहे हैं 24 पेयर सब ब्रीड कर रहे हैं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके बच्चों का भी रेशो 6-7 बच्चों का रेशो है। सही, तो माशाल्लाह आपको इनकी प्रोग्रेस वगैरह भी दिखाते हैं, बाकी इसके अलावा आप क्या करते हैं थोड़ा सा वो बताएं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप बता रहे थे मुझे। एक्चुअली मेरे बाय प्रोफेशन मैं एक कलर थेरेपिस्ट हूँ, कलर से इलाज करता हूँ। सही, और मैं मलेशिया में था, अभी 3 साल पहले ही आया हूँ, तो तकरीबन कोई 12 कंट्री में मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता हूँ और यहाँ भी पाकिस्तान के हर शहरों से लोग मुझसे इलाज करवाते हैं। जो मैं कलर थेरेपी करता हूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ 4-5 लोग हैं, उनमें से मैं एक हूँ। मैं यहाँ से यूरोप अमेरिका हर जगह इलाज कर रहा होता हूँ। मेरे मुख्तलिफ टीवी चैनल पे इंटरव्यू आते रहते हैं, गर्भी पी टी वी में मेरा इंटरव्यू था। सही, तो उसमें ये होता है कि विदाउट मेडिसिन हाथ और पाँव में कलर के पॉइंट्स लगा के मैं इलाज करता हूँ और वो बीमारियाँ जो कि मेडिकल साइंस में लाइलाज होती हैं, डॉक्टर कहते हैं कोई इलाज नहीं है, वो भी अलहमदिल्ला ठीक हो जाती है। बहुत मेडिकल रिजल्ट है मेरे पास। लोग डर जाते हैं, अरे कि आप जादू कर रहे हैं क्या कर रहे हो, यानी दर्द जो है ना, अगर कहीं पर भी पेन हो एक मिनट में ही फ़र्क पड़ता है। फ़ौरन जैसे कलर लगाऊंगा दर्द या तो गायब हो जाएगा या 30-40% ठीक हो जाता है। ऐसी से देखिए हर तीसरे चौथे बंदे को यहाँ माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, लोग डॉक्टर कहते हैं नी रिप्लेसमेंट होगी, ये सब चीज़ें से ठीक हो जाती है, बिल्कुल क्योर हो जाती है। जो भी किसी किस्म की बीमारी किसी ख़त्म हो जाती है। देखिए जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हर घर की प्रॉब्लम क्या है कि घर में किसी ना किसी को एसिडिटी होती है, सीने में जलन, कुछ भी खाते हैं एसिडिटी हो रही है, डॉक्टर उसको राइजिक पर लगा देते हैं, राइजिक खाते रहो। हम वो होता है कि सिर्फ स्टमक की हीट बढ़ जाती है, हम सिर्फ कलर लगाते हैं स्टमक की हीट खत्म हो जाती है, फिर जो कुछ खाओ कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये क्या, अगर किसी को रब्ता करना हो तो वो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। बाकी जावा की वीडियो हम बनाने आए हैं, जावा के आपको दिखाते हैं कैसी प्रोग्रेस चल रही है और ये क्या, अगर आपको इस तरीके की ब्रीड लेनी हो जावा की तो किस तरीके से आप ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताएं आपने जावा को किस साइज़ का दिया है? ये केज 1.5x1.5 के सारे साइज़ है ना, ये जो मुख्तलिफ केजेज आते हैं, मैंने ये मास्टर केज है 1.5x1.5 का साइज़ है। 1.5x1.5 का आपने जो है कॉलोनी नहीं बनाई, वन बाई वन। असल में देखिए कॉलोनी में मेरा ये मानना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जावा कॉलोनी बहुत अच्छी ब्रीड करती है, यकीनन करती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ब्रीड तो बहुत सारी करेगी, यानी कि आपने 20 पेयर रखे हुए हैं, सब में बच्चे निकले, अब एक साथ अगर बच्चे 60-70 बच्चे नीचे आ गए, उसमें से क्या होता है कि अगर फीमेल जो या मेल कुछ भी दाना खिलाने आएगा और सारे बच्चे उसके पीछे भागेंगे, तो जो बच्चा वीक होगा वो रह जाएगा या फीमेल खुद ही उड़ जाएगी, इतने बच्चों किसको किसको खिलाएगी। सही, तो सिंगल में ये होता है कि उसके अपने बच्चे होते हैं, लिमिटेड होते हैं और उसी को वो प्रॉपर उसकी टेक केयर कर रही होती है, सही से खिला रही होती है, हर बच्चे को सही से फीड मिलती है। सही, अच्छा ये रेड ही होते हैं तो उनमें काफ़ी लोग कहते हैं रेड जो चिक्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो मैं 2.5 साल हो गए हैं, मेरा रिज़ल्ट ये है कि जो अंडे होते हैं, एक तो सारे अंडे अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल होते हैं, 6-7 अंडे सब फर्टाइल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बच्चे निकलते हैं और बच्चे एक अभी तक मैंने अभी जैसे इस सीज़न दूसरा क्लच है मेरे पास, एक सिंगल बच्चा भी मेरे मटकी के अंदर नहीं बचा, 24 केयर में नहीं मरे, मतलब 24 पेयर के अंदर, और सारे निकलते हैं, बाहर भी निकलते हैं, खिलाती भी है, नहीं मरते, मेरे पास तो नहीं मरते। ऐसा क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आपको सर, बताएं इसके बारे में। देखें एक तो ये कि मैं बिल्कुल रियली ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी किस्म का मेडिसिन यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं लोगों पे मेडिसिन यूज़ नहीं करता तो मैं अपने बर्ड्स पे भी नहीं करता, इसलिए मैं कोई कैल्शियम विटामिन या कुछ भी नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ नेचुरल जो इनकी फीड है, जो दाना है, जो सब लोग खिलाते हैं वो खिलाता हूँ। उसमें बस ये है कि अक्सर लोग ये करते हैं कि जो कनेरी की क्वान्टिटी कम रखते हैं, मैं कनेरी की क्वान्टिटी ज़्यादा रखता हूँ, कनेरी सीड आप ज़्यादा कनेरी सीड जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 किलो इसमें
वाइट कंगनी डाल रहा हूँ तो 2 किलो, अगर इसके अंदर मैं बाजरा डालता हूँ तो मकाओ बाजरा डालता हूँ, और 2 किलो ही कंगनी कनेरी डालता हूँ, बाकी चीज़ें जो है साथ साथ वो भी डालता हूँ, लेकिन कनेरी की क्वांटिटी में रखता हूँ। अच्छा, तो मिक्स दाना जो आपने बताया, बाकी सॉफ्ट फूड में क्या यूज़ करवा रहे हैं आप? यार सॉफ्ट फूड में ये है कि ये जो झींगे होते हैं ना, श्रिम, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये असल में ये मूसा कॉलोनी से मिल जाते हैं, ये देखें, ये सूखे हुए झींगे होते हैं, श्रिम होते हैं छोटे। सही, ये झींगे ना, ये अच्छा, ये झींगे को इसको मैं ग्राइंड कर लेता हूँ। अब ग्राइंड करने के बाद ये इसमें ये पाउडर की शक्ल बन जाता है, ये मैंने ये इसको ग्राइंड कर लिया और फिर ये जो पापे होते हैं इनका, इसका ये चूरा है सांपों का। तो इसमें क्या होता है कि मैं इसमें जैसे मिसाल के तौर पे 4-5, जैसे मैं ये देता हूँ तो 5 चमचे में वो श्रिम के पाउडर डालता हूँ, और 5 चमचे फिर मैं पापे के पाउडर डालता हूँ, और तकरीबन 3 या 4 अंडे में बॉयल करता हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को उसमें डालता हूँ ग्राइंडर में, एक दफ़ा और ग्राइंड कर देता हूँ, सारे मिक्स हो जाते हैं। तो वो रोज़ाना मैं इनको एक डेली दे रही हूँ, वो चीज़ टी स्पून एक केस के अंदर। तो ये तो नहीं सर्दी में अलग देते हैं, गर्मी में अलग? ये मैं क्योंकि मैं ब्रीडी सर्दी में कराता हूँ, गर्मी में नहीं कराता, तो उसमें पूरे कंटिन्यू में ही दे रहा होता हूँ, दाना दे रहा होता हूँ, और कभी कभार जो है ना वो मैं कोई ग्रीन भी दे देता हूँ, वरना मैं लोगों कहते हैं ना रोज़ाना साग खिलाओ, पत्ते खिलाओ, ये खिलाओ, मैं नहीं देता ये सब। सही, तो चलिए थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाते हैं आपके पास, माशाल्लाह बीट आई थी। सबसे पहले जो चिक्स अलग करें वो दिखा देते हैं लोगों को। जी हाँ जी हाँ, ये है तकरीबन ये 30 पट्टे हैं, ये माशाल्लाह आपके पहला क्लच उतरा हुआ है, ये दूसरा है। अच्छा, ये एक 30 बच्चे में बेच चुका हूँ। अच्छा, इस सीजन में 30 बच्चे सेल कर चुके हैं? सेल कर चुका हूँ, ये 30 पीस और इसके अंदर में मौजूद। सही माशाल्लाह, यहाँ पे ये पेड़ इनके पास ब्रीडर्स लगे हुए, और यहाँ से ब्रीड आई हुई इनके पास, 30 बच्चे पहले ही सेल कर चुके हैं, बाकी जो चिक्स हैं वो यहाँ पर है। अच्छा जी, तो इनके भी एज क्या है? ये तकरीबन होंगे 2 महीने के होंगे, 2-2.5 महीने के। अच्छा, 2 से 2.5 महीने के हैं। सही। अच्छा, और ये अभी देखें, ये भी मेरा सिलसिला ये है कि मैं बच्चों को उस वक्त तक अलग नहीं करता जब तक दोबारा फीमेल अंडे दे के बच्चे ना निकल आए। सही। अभी देखें ये बच्चे, इसके अंदर 6 बच्चे हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके जो अंडे हैं अंडों में से भी बच्चे निकले, अभी मैंने चेक किया था। सही, अंदर अंडे में से बच्चे निकले हैं, अब इसको मैं शायद 1-2 दिन में अलग कर दूँगा। अच्छा, बच्चे निकलना स्टार्ट होंगे तो आप शेक जो है वो अलग कर देंगे? अब मैं अलग कर दूँगा। सही, मतलब आप काफ़ी लेट चिक्स अलग करते हैं? लेट करता हूँ, ताकि प्रॉपर सेल्फ हो जाए चिक्स। हाँ, मोटिलिटी नहीं होती, बच्चे बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो उनका मरने का वो नहीं रहता रेशो। सही, तो इसमें भी अगर यहाँ भी देखें इसके अंदर बच्चे होंगे, अब इसमें आगे बैठे हुए। अच्छा जी, माशाल्लाह से छोटे छोटे जो चिक्स हैं वो बाहर निकल आए हैं, और 2-3 अंदर होंगे इसके अंदर, यहाँ पर बैठे हुए। अच्छा जी, ये चिक बाहर आए हुए? हाँ, ये बाहर आ गए, छोटी उम्र में पता नहीं आ गए आते नहीं है, ये इसके अंदर भी होंगे। माशाल्लाह से यहाँ पे जो है 2 बच्चे और हैं। सही, और अगर इसके अंदर देखें आप तो इसमें भी 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह से इसमें भी 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं फीड वगैरह माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी पेयर करवा रहे हैं, और ये पेयर यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, वन बाय वन में आपको कहना है कि काफ़ी अच्छी ब्रीड आती है। जी जी, बिल्कुल। इसमें भी अगर देखें इसके बच्चे कुछ बाहर निकले हैं। अच्छा, माशाल्लाह से बाहर आए हैं, सेल्फ पे करीब हैं बच्चे। और ये सबके सब इनके अपने चिक्स हैं, कोई फॉस्टर वगैरह नहीं हुए? है ही मैं बच्चे, इसके अलावा है ही नहीं, फॉस्टर करूँगा। अच्छा, मैं सब में ये ना मैं किसको करूँगा? अच्छा जी, माशाल्लाह, ये माशाल्लाह इसमें छोटे बच्चे हैं, इसमें 7 बच्चे हैं। अच्छा जी, 7 बच्चे माशाल्लाह से। अच्छा, इनकी जो ब्रीडिंग एज है वो क्या होती है जावा की? ये तकरीबन 6-7 महीने में ब्रीड कर जाते हैं। इसमें भी होंगे, देख लिए इसके लोग। अच्छा, ये बल्कि ऊपर वाले भी देखिए, इसमें भी देखें आप, ये देखें। क्या बता रहे थे ये चाप? इनकी तकरीबन 5 से 6 महीने में जब हो जाए ना, माशाल्लाह से इसमें भी तकरीबन 6 से 7 चिक्स मौजूद हैं, बाकी एग्स भी मौजूद हैं। सही, माशाल्लाह सारे जो मटकियाँ लगी हुई हैं सबके अंदर माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड आई हुई है। आपको प्रोग्रेस दिखा दें, बाकी इसमें भी माशाल्लाह से 5-6 बच्चे हैं, और ये पेड़ यहाँ पे बैठा था माशाल्लाह से। अच्छा, फ़ोन जावा रखने की क्या वजह आपकी? सारी आपने फ़ोन जावा रखी है? असल में फ़ोन जावा इसलिए रखें, अब मैं वाइट रखूँ, ग्रे रखूँ, कोई भी रखूँ,
टेक केयर सबकी सेम करनी पड़ती है। सही। इनकी इनकी प्राइस ज़्यादा है तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। सही। ये रखने की वजह ये है कि यार थोड़ा वही काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छी अर्निंग हो जाए, तो यही वजह। और वजह अच्छा, अगर किसी को अभी बुकिंग वगैरह करवानी हो या चिक वगैरह चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक एक खास चीज़ बताऊँ मैं अपने बर्ड्स के हवाले से, ये आप बेशक एक एक करके भी आप बर्ड्स देख लें। फ़ोन अक्सर लोग क्या करते हैं कि फ़ोन को वाइट से, ग्रे से, इससे उससे, ओपल से मिक्स कर देते हैं। मेरे पास प्योर ब्लड लाइन है। आप मेल की देखेंगे, फीमेल की देखेंगे, किसी के हेड पे कहीं पे एक वाइट डॉट भी नहीं है, ना किसी के पर वाइट है, ना किसी के कोई वाइट निशान है। ये प्योर ब्लड लाइन है और बड़े साइज़ के हैं सारे। इनके बच्चे भी ऐसे बड़े साइज़ के निकलते हैं। आपने बच्चे की भी वीडियो देखी कि किसी के वाइट स्पॉट नहीं है, ना किसी पेयर के भी नहीं है। तो ये प्योर ब्लड लाइन, इसके अंदर कोई चांस ही नहीं है कोई और चीज़ निकले, और सब प्योर निकलते हैं। सही। अच्छा जी, किसी को रब्ता करना है इनका नंबर मैं आपको एंड में बताऊँगा। बाकी अभी इनकी प्रोग्रेस दिखाते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे प्रोग्रेस आई हुई है, इसमें भी देख रहे हैं बच्चे अंदर, इसमें भी माशाल्लाह से चिकता है। माशाल्लाह से इसमें भी छः बच्चे, पाँच से छः बच्चे। सही। ये कि जावा का जो रेशियो काफ़ी अच्छा है, तकरीबन पाँच से छः चिक्स जो है हर मटकी के अंदर आपको मिलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ भी जो है पाँच चिक्स मौजूद हैं। अच्छा इनकी हैचिंग कितने टाइम में हो जाती है? एग से हैचिंग कितने टाइम में हो जाती है? 14 दिन में हो जाती है। 14 दिन में अंडे से बाहर आ जाते हैं। बाकी सेल्स कितने टाइम में हो जाते हैं? ये फिर 14 दिन में बच्चे बाहर निकलते हैं, अंडों से निकलते हैं, फिर 15-20 दिन में बाहर निकल आते हैं। सही। और उसके बाद जैसे ही ये पट्टे इनके बाहर आते हैं, मटकी से बाहर आते हैं, उसके 2-3 दिन के बाद फीमेल अंडे देती है। सही। वो अंडे दे देती है और नीचे बच्चों को फीड भी करा रहे होते हैं। तकरीबन महीने से 1.5 महीने के अंदर बच्चा सेल्फ हो जाता है। बिल्कुल सेल्फ हो जाता है, लेकिन मैं बच्चों को उसको अलग करता हूँ जब दूसरे बच्चे अंडों से निकल जाते हैं। सही। तकरीबन 1.5 महीना लग जाता है। जैसे आप एक दफ़ा इसकी देख लें कि ये जैसे पट्टे निकले हुए ना, इसके अंदर आप देख लें इसके जो अंदर अंडे हैं उसमें बच्चे निकल आए। अब इसको मैं अलग करूँगा। ये माशा से चिक्स तकरीबन सेल्फ हो चुके हैं, बच्चे अभी यहाँ पे हैचिंग स्टार्ट हो गई है। अभी जब हैचिंग स्टार्ट हो गई तो अभी चिक्स आप अलग कर देंगे? अब मैं अलग कर दूँगा, तो इस तरह मैं करता हूँ। ठीक है। तो ये भी है उधर, सब में ही जिसमें आप देखेंगे सब में ही होगा। चले यहाँ पे मटकी है, इसमें अभी नहीं होगा, इसमें देख लें वो देखिए। अच्छा, इसके सारे बच्चे बाहर आ गए। इसके अंदर इसमें अंडे भी दे गए दोबारा। अच्छा एग्स वगैरह भी आ गए। अभी कुछ दिनों में आए हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, उसमें बच्चे होंगे। माशाल्लाह से उसमें चिक्स आए हुए। यहाँ पे एक और पेड़। अच्छा 24 के 24 पेड़ आप लोग बीट कर रहे हैं। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा चिक्स लग रहे हैं। 7 चिक्स पाँच लग रहे हैं। इसके साथ मसला ये हुआ था कि ये इसके जो ना इसके 7 बच्चे थे, और इसने बच्चों ने जाके अंडों पर इतनी पोटी कर दी थी कि वो अंडे ख़राब हो गए। जब भी मैंने इसके अंडे अभी फेंके, बच्चे अलग किए, अंडे फेंके, तो दोबारा वो अभी अंडे देगी, वापस रिपीट कर देगी, मतलब इसका क्लच ख़राब हो गया। वो पट्टों ने बिल्कुल अंडे पोटी से भर दिया था सारे अंडों को। सही। अच्छा जी, यहाँ पर भी पेड़ लगे हुए, इसमें भी बच्चे होंगे, उसमें भी दोनों में ही होंगे। चलिए आपको इनके चिप्स वगैरह दिखाते हैं। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आई थी इनके पास। जहाँ ये माशाल्लाह से इधर भी चिक्स मौजूद हैं, तकरीबन 6 से 7 का एवरेज इनके पास। 5 बच्चे 6 बच्चे 7 बच्चे माशाल्लाह से इनके पास निकल गए। अच्छा इसमें जो हैं फर्टाइल वगैरह सारे होते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं? सारे हो जाते हैं फर्टाइल वगैरह। ये भी देखिए 6-5 बच्चे नीचे। अच्छा माशाल्लाह से यहाँ भी चिक्स आए हुए, तकरीबन 1-6 चिक्स यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे पेड़ इसकी भी प्रोग्रेस आई है, यहाँ भी प्रोग्रेस है। माशाल्लाह से अभी इसने जो एग्स वगैरह देना स्टार्ट कर दिए। सही। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आई है आपके पास जावा की। सही।
अच्छा जी, सॉफ्ट फूड आप जो है नॉर्मल सुबह सुबह डेली यूज करवाते हैं? मैं असल में ये होता है, मैं थोड़े देर तकरीबन कोई 11-12 बजे में ये इसको देता हूँ, लेकिन ये कि रोज़ाना मैं इसको दानों को सही साफ करके दाने डालता हूँ, और प्लस ये कि पानी रोज़ाना मैं सुबह चेंज कर देता हूँ। और जहाँ वगैरह ठंडे मौसम में नहाती हूँ, कोई मसला तो नहीं होता? नहीं नहीं, मसला तो कोई नहीं होता, बस एक चीज़ मेरे ख्याल से जो मैंने किया हुआ है कि मैंने तीन तरह से ग्रीन शेड लगाया हुआ है। सब बहुत से लोग पूछते हैं यार कि ये क्या है, तो ये ग्रीन शेड मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि लोग अक्सर क्या करते हैं, प्लास्टिक से सब तरफ कवर कर देते हैं, तो सफोकेशन हो जाती है, बच्चे अंदर बीमार होते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो ये मैंने इसलिए ग्रीन शेड रखा हुआ है, इससे थोड़ा सा हल्के फुल्के हवा भी पास हो रहे होते हैं। सही। और सामने फ्रंट पे जो है ना, फ्रंट में बिल्कुल ओपन है। गैरली में इन्होंने रखे हुए, ये प्लास्टिक में लगा देता हूँ, और शाम में 5-6 बजे में प्लास्टिक लगा देता हूँ, सुबह खोल देता हूँ, और सुबह की धूप लगती है सबको सुबह की यहाँ पे। सही। अच्छा, धूप का भी आप थोड़ा बता दें, धूप लगना लाजमी है? देखिए, धूप लगना लाजमी है। मेरे एक कोने वाला जो वो केज है, यहाँ पे एक केज मेरा रखा हुआ था, तो इस पर धूप नहीं लग रही थी, तो यहाँ पे प्रोग्रेस अच्छी नहीं आ रही थी। सही। मैंने इस केज को यहाँ से हटा दिया, उसके बाद अब प्रोग्रेस अच्छी आ रही है। धूप लगने लगी तो फिर प्रोग्रेस अच्छी हो गई, लगती है सब में थोड़ी। अच्छा, इनका मेल फीमेल का थोड़ा सा बताएं, फोन जावे के अंदर मेल फीमेल का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेल, ये देख रहे हैं कि मेल बैठा हुआ है, मेल के साथ क्या होता है, इसके जो चोंच का कलर होता है ना, वो थोड़ा सा डार्क होता है, रेडिश होता है। सही। फीमेल में थोड़ा हल्का होता है, और फीमेल की जो होती है वो स्ट्रेट होती है, हेड से स्ट्रेट होगा, और मेल के जो हेड से ऊपर वो उभरी हुई होगी, उठी हुई होगी, कर्व नजर आती है कि चोंच वहाँ से उठा हुआ, साइज भी बड़ा होता है। तो जब मेच्योर हो जाएंगे जावा, जब ज़्यादा कन्फर्म पता चलता है मेल फीमेल? हाँ, बिल्कुल कन्फर्म पता है। और अगर किसी के पास फुल जावा है, मेच्योर हो गया, अक्सर लोग बोलते हैं, लोगों से पूछते हैं मेल है फीमेल है, पूछते रहते हैं, सब अच्छा तरीका है, उसको किसी केज में छोड़ दें और बैठ के देखते रहें, अगर वो सीटियाँ बजा रहा है तो वो मेल है। सही। फीमेल कभी सीटी नहीं बजाती, मेल बजा रहा होता है, तो इस तरीके से भी आप उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मेल है फीमेल है। वीवर दिए कि आपको प्रोग्रेस दिखाई माशरे से जावा की, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, बाकी किसी को भी चिक्स वगैरह चाहिए हो तो इनसे रब्ता कर सकते हैं आप, अपना नंबर आप बताएं। जी, मेरा नंबर 0333-235-4577। सही। तो ये मेरा व्हाट्सअप पे भी है, वैसे भी आप उसको कॉल कर सकते हैं, आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए तो वो मिल सकती है। अच्छा जी, ये जावा की प्रोग्रेस थी, बाकी इनका क्लिनिक भी आपको दिखाते हैं वहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि बहुत से लोग मुझे कॉल करेंगे कि आपके पास ये है, आपके पास वो है, मेरे कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फ़ोन जावा है, कोई और जावा नहीं है, कोई और बर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ फ़ोन जावा है बस। सही। अच्छा जी, अभी हम इस वक्त इनके क्लिनिक में मौजूद हैं, आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं यहाँ पे अपनी इसके कलर थेरेपी के हवाले से बताना चाह रहा हूँ। असल में कलर थेरेपी का कॉन्सेप्ट यह होता है कि जो सूरज की रोशनी में रेनबो कलर्स होते हैं, वो सारी हमारी बॉडी में होते हैं, उन्हीं कलर्स के डेफिशिएंट या एक्सेस होने की वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। हम क्या करते हैं, कलर थेरेपी के ज़रिए से उन्हीं कलर्स को बॉडी में जो होती है उनको बैलेंस करते हैं, इनकी कमी बेशी को दूर करते हैं, प्रॉब्लम ठीक होने लगती हैं, और लगते हैं कि हमारे हाथ और पाँव में कलर के पॉइंट्स लगते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। दर्द में तो एक मिनट में रिजल्ट आता है, किसी भी किस्म का आपको माइग्रेन पेन हो, गठिया का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कुछ भी हो, कलर लगाते ही आपको दर्द में कमी महसूस होती है, 10-15%, 20%, 50%, और कुछ दिनों के ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाती है, कोई ऑपरेशन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से तमाम बीमारियों का इलाज होता है, फौरी रिजल्ट आता है। तो मैं ये कहूँगा कि लोग भी मेडिसिन से बचें, एंटीबायोटिक से बचें, और इन चीज़ों में आए। मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करता हूँ, दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता हूँ, आप घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली मेरा जो है बर्ड्स का चैनल, लेकिन ये कि मैंने सोचा कि अगर एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए, ताकि अगर किसी को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है चैनल के थ्रू, क्योंकि ये कि बर्ड्स की एक अलग फील्ड है और ये चीज़ है जो है अलग है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच।